हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको आपके स्मार्ट टीवी के अंदर नेटफ्लिक्स इंस्टॉल करना है वो कैसे करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके, दो मेथड बताऊंगा जिनका यूज करने से आपका जो ये नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है आपके टीवी के अंदर आप इंस्टॉल कर पाओगे बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ ही प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो टीवी है आपको यहाँ पर ऐप्स के अंदर आ जाना है। ऐप्स के अंदर आने के बाद आपको आपका जो टीवी है उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, पहला ये मेथड है कि हम लोग पहले गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। हो सकता है आपने ये तरीका भी यूज कर चुके होंगे, बट जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप यूज कर लीजिए, आपका डेफिनेटली आपका नेटफ्लिक्स आ जाएगा आपके टीवी के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है नेटफ्लिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स टाइप कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर नेट टाइप किया तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स का ऑप्शन आ गया। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है नेटफ्लिक्स, इसको बैक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स का ऑप्शन दिख गया है, एप्लीकेशन है जो यहाँ पर आपको शो हो गया है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट का बटन होगा, ठीक है, और यहाँ पर ओपन का होगा। अगर आपका यहाँ पर इंस्टॉल्ड आपको कुछ ऐसा इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको जस्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से आप नेटफ्लिक्स इंस्टॉल कर सकते हो आपके टीवी के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि आपको बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके टीवी के अंदर एक ब्राउजर होता है, ठीक है, टीवी का जो डिफॉल्ट ब्राउजर आपके टीवी के साथ आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टीवी इंटरनेट ब्राउजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके टीवी के अंदर। यही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पर वो ओपन कर लेना है ये एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक ब्राउजर है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर होता है, मोजिला ब्राउजर होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो कि आपके लैपटॉप में होता है। सेम एज चीज यहाँ पर भी एक ब्राउजर होता है टीवी के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर आ जाना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये गूगल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो ऊपर, ओके। यहाँ पर हम लोग गूगल पर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आपके सामने ये गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका माउस है यहाँ पर लेके जाना है, आपका जो ये रिमोट के साथ लेके जाना है। देखिए यहाँ पर हम लोग रिमोट के साथ लेके गए और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही आपके सामने ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर टाइप करना है नेटफ्लिक्स, Netflix। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही आ गया है Netflix, जैसे हम लोगों ने टाइप किया, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको स्पेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है APK, ओके, APK स्पेस डाउनलोड। सेम एज इज आपको, अगर यहाँ पर आपका ब्राउजर नहीं मिल रहा है आपको टीवी के अंदर, तो सेम एज इज आप अपने लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हो, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाना है आपको, सेम एज इज आपको एंड्रॉयड टीवी के साथ सर्च करना है, ठीक है। नेटफ्लिक्स ऐप डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड टीवी, ये एंड्रॉयड भी चलेगा, आपको जस्ट यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है टीवी, TV, ओके। और यहाँ पर आपको जाना है बिल्कुल लास्ट में। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो गूगल के अंदर आपको Netflix APK डाउनलोड फॉर Android TV, आपको यहाँ पर ये टाइप करना है और यहाँ पर सर्च कर देना है। इसके बाद
जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हो तो आपके सामने यहाँ पर नेटफ्लिक्स की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको कोई भी एक लिस्ट में से यहाँ पर चेक कर लेना है कि जो आप एप्लीकेशन आपके टीवी के अंदर कौन सा इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल्ड कर सकते हो। ठीक, तो आप यहाँ पर, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मेथड है, यहाँ पर आप अपने जो जियो सिनेमा एप्लीकेशन है यहाँ पर जाकर भी इंस्टॉल्ड कर सकते हो अगर आपका प्ले स्टोर से नहीं हो रहा है तो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।